मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की। हेलो फ्रेंड्स, सो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कोई रिलेशन है ओवरी के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में। डेफिनेटली एक रिलेशन है इन दोनों कैंसर्स में, और ये आनुवंशिक रूप में रहता है। तो ये आनुवंशिक रूप में किस तरह प्रेजेंट करता है, तो इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जहाँ पे आपके जो सेल, जो जीव कोश का जो न्यूक्लियस है, वहाँ पे जो डीएनए रहता है, उसके कंटेंट में एक बदलाव रहता है या एबनॉर्मेलिटी रहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होते जाता है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन को हम इस सिचुएशन में BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन करके पहचानते हैं। सो ये म्यूटेशंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या डायग्नोस करते हैं? ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट, जहाँ पे हम आपके मुंह से लार का सैंपल लेके या आपका ब्लड सैंपल लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट क्या सारे ओवरी के कैंसर्स या सारे ब्रेस्ट के कैंसर के पेशेंट में ये जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मात्र 5-10% ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में ये जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, और 10-15% ओवेरियन कैंसर्स में ये म्यूटेशन पाया जाता है। तो हम थोड़े बहुत पेशेंट के फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 50 से भी कम उम्र में, या किसी को डबल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मतलब दोनों तरफ के स्तन में कैंसर है, या कोई महिला को ब्रेस्ट कैंसर भी है या ओवरी का कैंसर है, ये सब सिचुएशन में जेनेटिक म्यूटेशन का होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक इसी तरह जहाँ फैमिली में, एक तरफ के फैमिली में, मतलब फादर के साइड के फैमिली में, मदर के साइड के फैमिली में बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ हो मल्टीपल जनरेशंस में, या किसी को फैमिली में कोई पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, सो ये सब चीज़ें ये दर्शाता है कि शायद एक आनुवंशिक रिस्क है और इसमें हमें म्यूटेशन एनालिसिस करने चाहिए। ठीक इसी तरह अगर फैमिली में बहुत सारे लोगों को मेलनोमा और प्रोस्टेट कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर भी होता है, तो ये BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन का रिस्क रहता है। तो जब ये फीचर्स हम देखते हैं, तो हम इन सारे पेशेंट्स में म्यूटेशन एनालिसिस करने के लिए बोलते हैं। अगर म्यूटेशन एनालिसिस नेगेटिव आता है, तो इसका ये मतलब है कि ये कैंसर आनुवंशिक तरीके से मदर से डॉटर को या सन को जाने का रिस्क नहीं है, या उसी तरह उसी सेम पीढ़ी में सिस्टर को या दूसरे जो फर्स्ट जनरेशन के रिलेटिव हैं उनमें रहने का भी रिस्क कम रहता है। तो इससे एक पेशेंट को और फैमिली को एक तसल्ली मिलता है कि ये रिस्क दूसरे फैमिली मेंबर्स में नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि ये रिस्क है, तो इसमें हम सूटेबल एज पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे कि मैमोग्राफी, CA125, पेट का सोनोग्राफी, ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रिस्क रिडक्शन, मतलब फ्यूचर में कैंसर ना हो, इसके लिए कोई दवाई या सर्जरी का ज़रूरत है कि हम इसका भी सुझाव दे सकते हैं। सो दोस्तों, एक ये था छोटा डिस्कशन के ब्रेस्ट और ओवरी के बीच में जो कनेक्शन है BRCA म्यूटेशन का, इसके बारे में। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है, तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।